नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बतलाने वाले हैं एक ऐसी खेती के बारे में जिसको आप लाकर बहुत ही कम समय के अंदर और काफ़ी कम पैसे खर्च करके यहाँ पर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से हमको बतलाने वाले हैं जुगनी की खेती के बारे में। देखिए, जुगनी की खेती एक ऐसी खेती है जिसको आप बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही कम पैसा खर्च करके यानी 60 से 70 दिन के अंदर अच्छे खासे पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जुगनी की खेती जो है एक विदेशी खेती है और आज हमारे देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। और आजकल जो हम मार्केट के अंदर हर साल में देख रहा हूँ कि इसकी डिमांड है और प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए इसकी खेती करके हम अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। साथ में इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो इतना हाई होता है कि इससे जो आपकी इनकम होगी वो भी काफ़ी हाई होने वाली है। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से आपको यही बतलाएंगे जुगनी खेती आपको कब करनी है, किस प्रकार की मिट्टी में आप ला सकते हैं, कौन कौन से खाद आपको डालने पड़ सकते हैं, खेत की तैयारी आपको कैसे करनी है, तो वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच सकें। तो देखिए, जुगनी की फार्मिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, जुगनी की जो खेती होती है वो विदेशी खेती जो कि आज हमारे देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर होती है। जुगनी की हमारे देश के अंदर दो किस्में पाई जाती है, एक तो किसान भाई यहाँ पे देखो आप पीली जो कि पीला जुगनी होता है और एक जो है यहाँ पर ग्रीन जुगनी। तो देखिए, सबसे बढ़िया बात मैं आपको बता दूँ, आप पीले जो जुगनी होती है उसकी खेती ना करें, क्योंकि देखिए होता क्या, उसकी डिमांड है वो मेट्रोपॉलिस या जो मेट्रो सिटी होती है उसके अंदर है या फिर बड़े बड़े शहरों के अंदर है। और अगर आप देहात से या छोटे शहरों से कस्बों से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर इसकी मार्केट जो है भी कम है, तो इसलिए आप उसकी खेती ना करके यहाँ पर जो ग्रीन जुगनी आती है जो हरी वाली उसकी खेती कर सकते हैं। तो उसकी डिमांड जो है आजकल कस्बों के अंदर, देहात के अंदर, छोटी मंडी या बड़ी मंडी सबके अंदर है, तो उसकी खेती आप करें। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पता चला आपने जो पीली जुगनी की खेती थी उसकी कर ली और आपके पास ना तो कोई बड़ी मंडी है और ना कोई आपके पास मेट्रो सिटी है, तो उससे आपको देखिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो मेट्रो सिटी के अंदर और बड़े बड़े जो हमारे देश के अंदर मंडियाँ हैं उनके अंदर है। तो जो ग्रीन जुगनी है उसकी खेती आप किसी भी, चाहे वो देहात के अंदर, छोटे कस्बों के अंदर, किसी मंडी में उसको बेच सकते हैं, क्योंकि जो डिमांड है वो साल दर साल बढ़ती चली जा रही है, उसकी जो मार्केट है वो भी काफ़ी बढ़िया है पीले के मुकाबले। तो देखिए, पीले का हालांकि रेट तो ज़्यादा रहता है मैं आपको बता दूँ, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो मेट्रो सिटी के अंदर, बड़े बड़े जो मंडियां हमारे उनके अंदर है, बाकी अगर मैं देहात के अंदर छोटी जो मंडियां हैं, कस्बों की मंडियां, उनके अंदर डिमांड की काफ़ी कम है। तो इसलिए जो आप खेती करें वो हरी वाली जुगनी की ही करें। चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि भैया सही समय कौन सा। देखिए, किसी भी फसल का सही उत्पादन लेने की सबसे बड़े पहले हमें जरूरत होती है सही समय की। अगर हम किसी भी जैसी खेती सही समय पर करते हैं तो उत्पादन भी अच्छा मिलता है और साथ में जो प्रोडक्शन उसका होता है फसल का वो भी यहाँ पर अच्छा होता है। तो भैया देख ले, जुगनी की खेती में सबसे बढ़िया समय जो होता है वो होता है सितंबर से लेके अक्टूबर तक का महीना, यानी सितंबर अक्टूबर दोनों में से किसी महीने में आप खेती कर सकते हैं, बढ़िया समय है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं ये थोड़ा सर्दी का मौसम इसको चाहिए होता, तो सितंबर के बाद धीरे धीरे ठंड जो है इंक्रीज़ होने लगती है, सर्दी बढ़ने लगती है हल्के हल्के, तो इसलिए सितंबर अक्टूबर के महीने दोनों बेस्ट होता है। इनमें से किसी महीने में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में जरूरत पड़ती है भैया हमें किस प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। तो देखिए, बलुई दोमट मिट्टी जिसके अंदर प्रयुक्त जल निकासी हो वो मिट्टी सबसे पहले प्रयुक्त होती है। साथ में जो आपकी भूमि हो प्रॉपर उपजाऊ होनी चाहिए, तो इसलिए अगर उपजाऊ आपकी ज़मीन नहीं तो कोई बात नहीं, आप सड़ी गली देसी गोबर की खाद डाल दें तो जो आपकी ज़मीन होगी प्रॉपर उपजाऊ हो जाएगी, और आपकी ज़मीन उपजाऊ है तो कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको ज़मीन का चूज़ करना है। जैसे मैंने आपको बताया, बलुई दोमट मिट्टी प्रयुक्त जल निकासी वाली आप मिट्टी का चयन कर सकते हैं, उसमें इसकी खेती काफ़ी बढ़िया होती है और एक्यूरेट भी होती है। उसके बाद में देखिए, खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो आपको करना है पहले गहरी हैरो से जुताई करा लेनी है बढ़िया तरीके से, उसके बाद में आपको रूटा बेड से भरपूरी ज़मीन यहाँ पर करा लेनी है। खाद की बात में मैं बता दूँ, ऐसे कि मैंने आपको बताया, अगर सड़ी गली आपके पास देसी गोबरी खाद है वो जरूर डाल दें, अगर आपके पास नहीं है तो आप एक एकड़ के अंदर 6 से 8 कट्टे बर्मी कम्पोस्ट जो खाद होता है उसके भी डाल सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया रहता है। साथ में आप रासायनिक खाद डाल लें, मैं आपको बता दूँ आपको DAP ले लेना है यहाँ पर 8 से 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। साथ में आपको यहाँ पर किलोड़ों का यूज़ जरूर करना है, जैसा कि मैं हर वीडियो पर बताता हूँ कि भैया किसी बीज की बुआई करने से पहले आप यहाँ पर किलोरों का यूज़ जरूर कर लें, क्योंकि देखिए जैसे कि हम हमारी फसल में किसी भी चीज़ का अंकुर होता है तो उस समय छोटे छोटे कीट जो होते हैं वो खाने लगते हैं, जिससे जो हमारी फसल होती है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने खेतों के अंदर यहाँ पर किलोरों का यूज़ जरूर करें, जिससे कि आपकी खेती में जब किसी फसल का अंकुरण होगा तो जो छोटे छोटे हानिकारक कीट होते हैं वो यहाँ पर फसल को अपनी नहीं खाएंगे और आपको किसी भी तरीके का यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए आप चाहे तो 55% में, चाहे तो आप 20% दोनों में से किसी भी किलोड़ा का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद में क्या करना है, आपको क्या करना है, ज़मीन तैयार करने के बाद यहाँ पर मैल निकलवा देनी है, आपकी जो बेड होती है बेड के 2 पार आपको यहाँ पर बिजाई कर देनी है बीज की। आपको मैं यहाँ पर मैड से मैड की दूरी आपको देखिए 2 फीट रखनी है, 2 से 3 फीट, और यहाँ पर आपसे बीज की बीज से दूरी रखनी है वो 0.5 फीट से 1 फीट के करीब आप रख सकते हैं। बीज की जो आपको बुआई करनी है
वो 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई तक करनी, जैसे कि आपका जो बीज है उसका प्रॉपर अंकुरण हो सके, बड़े तरीके जम सके और आगे चल कर आम किसी भी तरीके की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके बाद में जब तुरंत बीज की बुआई करने बाद आपको पेंडा मैथिन का स्प्रे कर देना, जिससे कि भैया आगे चल कर हमारे खेतों के अंदर कोई खलबा ना निकले और हमें किसी भी तरीके की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर आपको पेंडा मैथिन का स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने में आपको सिंचाई का ध्यान रखना है, 24 घंटे से पहले आपको सिंचाई नहीं करनी है। अगर 24 घंटे पहले आप सिंचाई कर देते हैं तो आपके खेतों के अंदर जो है खरबा जम जाएगा और आपको काफ़ी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो किसान भाई इस तरीके से हम झुंगनी की खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसका जो रेट रहता है वो भी अच्छा रहता है, आपको 20-25-30 रुपये किलो का रेट मिल जाएगा आप अगर सितंबर अक्टूबर दोनों में से किसी महीने में खेती करते हैं तो। और साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी डिमांड जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए आपको जो खेती करनी है वो ग्रीन झुंगनी की खेती करनी है। क्योंकि जैसे कि मैं बताया जब पीला जो झुंगनी की खेती होती है उसमें क्या होता है, इसकी जो डिमांड होती है वो बड़े शहरों के अंदर ज़्यादा होती है। अगर आप छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, आपके पास बड़ी मंडी नहीं है, तो आपको फिर दिक्कत होगी। इसलिए आप जब भी खेती करें ग्रीन झुंगनी की ही करें, इसमें आपको अच्छी इनकम भी होगी, साथ में आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा और आपकी आय भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और किसान भाइयों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। धन्यवाद।